सत्ता के गलियारे से बड़ी खबर आ रही है कि राज्यसभा के लिए राजद ने अपने दोनों उम्मीदवारों का नाम तय कर दिया है। जानकारी के अनुसार पहला नाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का आ रहा है, जबकि दूसरा नाम राजद के पूर्व विधायक फैयाज अहमद का है। आपको बता दें कि आरजेडी ने इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। पटना आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर दिया। आपको बता दें कि एक नाम पहले से ही मीसा भारती का था, जबकि दूसरा नाम फैयाज अहमद का तय किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फैयाज अहमद और मीसा भारती कल नामांकन का पर्चा दाखिल कर सकते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राज्यसभा के लिए टिकट के कई दावेदारों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, लेकिन तमाम लोगों के उम्मीदवारी के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने फैयाज का नाम फाइनल किया है। वहीं इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार फैयाज अहमद जो मिथिलांचल के रहने वाले हैं, उन्हें राजद ने राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। फैयाज अहमद का मधुबनी में मेडिकल कॉलेज भी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।